ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं औषधीय पौधे व जड़ी बूटियाँ पूरे भारत में लोगों तक पहुंचा रहा हूं। एक मेरी कोशिश है कि सबको सही जड़ी बूटी मिले और सही पौधा मिले। होता है तो हम कहते हैं, नहीं तो मना कर देते हैं। तो लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कोरियर से पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, आप देंगे नहीं देंगे, हम आप पे कैसे विश्वास करेंगे, पैसे दें पहले या ना दें, और आपने पौधा नहीं भेजा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये मेरा ये 31/1/2022 है, और ये देखेंगे मैक्सिमम हमने DTDC से ही, डाक से, जिसके पास जो सुविधा है वहाँ से हम पेड़ पौधे भेजते रहते हैं। अगर गुजरात साइड है तो मारुति कोरियर से भी दे देते हैं। ये देखिए 3-1 3-1, तो ये हमारे सब गए हुए हैं। ये चेन्नई है, एट्रेंडम दिखा दे रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया जाते हैं। गुड़गांव, आकाशगंज, गुजरात, इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे भी जिसको भी पौधा चाहिए, एक पौधा हो चाहे पाँच हो चाहे छः हो, जो कोरियर चार्ज है वो लेते हैं। पौधे कैसे जाते हैं देखिए, कुछ का पौधा, बच का, हर्बल चाय, सहदेवी, इस तरीके से तगर, तिमोर, दारू हल्दी, बिजोरा, तो ऐसे बहुत से हैं। देखेंगे आप सब जाते ही रहते हैं पौधे, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी के साथ, जिसका नहीं पहुंचता है उसको, अगर आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, अगर वहां तक पहुंचने से पहले पौधा खो गया, टूट गया, गलत पार्किंग पार्सल हो गया एड्रेस पे, वो सब मेरी जिम्मेदारी, हम दोबारा उसे भेजते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके यहाँ पहुँच गया सही सलामत, आपने फ़ोटो भेज दिया और नहीं उगा पा रहे हैं तो नहीं उगा, और फिलहाल जो जिस एरिया में नहीं होता उस पौधे के लिए मना कर देते हैं, हम देते ही नहीं। जैसे नाग केसर देखिए, सफ़ेद मूसली, सतावर, पीपली, गैठी, ये हो गया सुगंध वाला, अड़ूसा के पौधे, तो इस तरीके से विधारा के पत्ते भी जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब पूरा सप्लाई चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको इसलिए दिला रहा हूँ कि लोग बार बार मुझे पूछते हैं कि हम कैसे देखें, पुनर्वा के पौधे, कासनी पौधा, कासनी बीज, गोरख बीज, काली हल्दी पौधा, और ये निर्गुंडी हो गया, बच हो गया, अपराजिता हो गया, पुनर्वा हो गया, भंगराज हो गया, ये निर्गुंडी, मरुआ तुलसी, सफ़ेद मूसली, मरुआ तुलसी, वन तुलसी, लेमन ग्रास, कालावासा, विधारा, काली हल्दी, सफ़ेद अपराजिता, इस तरीके से हमारे पौधे जाते हैं। और ये देखिए मेरे पे कुछ पौधे हम इकट्ठे करते हैं जगह जगह से, नर्सरी से ला करके, या जो कुछ पौधे हम उगा भी लेते हैं, मतलब सारे पौधे मैं तैयार नहीं कर पाता हूँ तो नर्सरी से लाते हैं। तो हम क्या किए, मैंने थोड़ा सा कलेक्शन कर रखा, तो ऑनलाइन देखिए 10-10-20 पौधे होते हैं, ज़्यादा हमारे पास बल्क में नहीं होता है, और बल्क में भी कोई चाहेगा तो हम तैयार कर देंगे या मिल जाएगा। अभी मेरे पे इतना पैसा नहीं है कि मैं उसमें फंसा दूँ, बल्क के लिए लाखों रुपये का बजट बनता है। तो ये चीज़ें देखिए, कालावासा है, और ये MP से लाया हुआ मेरे पास, गरुण का एक पौधा, इसे लगाना है कहीं, और एक ही दहीमन का बगल में हो रहा है। तो मौसम के अनुसार हम लगाते हैं, पोलेथीन लाके पहले उसे 10-15 दिन या एक महीना ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब ये पकड़ लेता है जड़, तो उसके बाद हम खेतों में, नदी नाले किनारे, जहाँ भी लगाना है लगाते हैं। जैसा आपको मैं बता चुका हूँ, देखिए रक्तरोना है, दारू हल्दी है, जो मेन पौधे हैं, जो मेडिसिनल प्लांट, तिमुर है, और बाकी सो वाले तो हैं, जो ये अपने नर्सरी का काम भी चालू है तो घर से ही 2-4 लोग ले जाते हैं, और वैसे भी नर्सरी चालू होने वाली मेरी, ये विधारा हो गया। और ये देखिए हम कैसे उगाते हैं, देखिए पहाड़ एरिया के पौधे, जैसे पसाड़ भेदे, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे उधम सिंह में उगता है कि नहीं उगता है, क्योंकि हमारा मैदानी इलाका, तो देखिए पसाड़ भेदता है तो ठंड का सीजन है, तो ये सब चल रहे हैं अच्छे खास। देखिए पत्थर उत्थर डाल के, ये आर्किड वगैरह है, महामेधा की जड़ है शायद, और इस तरीके से देखिए ये एक पौधा है, ये भी पहाड़ों में ही होता है, यहाँ पे तगर वगैरह भी है नीचे जो होगा। मेरी कोशिश है, मैंने यहाँ तगर, बिच्छू बूटी सब उगा लिए खेत में, खेतों में नदियों किनारे लगा रखा है, तो वहाँ पे उग रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए पहाड़ी पौधों में जो उत्तराखंड से है या पहाड़ से, ये तग गुलबनप्शा, ये देखिए गुलबनप्शा का फूल है, पौधा है ये गुलबनप्शा भी, मैंने इसको किसी को हाईलाइट नहीं करा है। तो इसी तरीके से बहुत सारी पौधे हैं जो कि मैं बताता भी नहीं हूँ सबको, बहुत कम रेयर लोगों को, नहीं तो अन्यथा लोग दोहन करेंगे जा करके कहाँ पे है, और फिर नुकसान करेंगे। तो जो हमारे वैद्य हैं, हकीम लोग हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उनके लिए हमें इनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, जो ग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका आदि बना रहे हैं, कि उन लोगों को पौधे पूरे करने पड़ते हैं नक्षत्र के हिसाब से, ग्रह के हिसाब से, तो वो हमें देना होता है।
तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आप लोगों तक सही पौधा, सही जड़ी बूटी, सही क्वालिटी बोल में पहुँच मिले, क्वालिटी वाइज मिले, इसमें एक प्रयासरत हूँ और आगे भी करता रहूँगा। इससे मुझे धन लाभ तो होता ही है, साथ में ज्ञान भी अपार मिलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, दिनों दिन ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। जितना हम प्रकृति से जुड़ते हैं, पेड़ पौधों के पीछे भागते हैं, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है और जानकारी होती रहती है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि सारे जो हमारे गुरुजन लोग हैं, इसमें मेरा सहयोग करते हैं।